Hello everyone, in today's video lecture we will discuss about chopper. So basically chopper होता क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि डीसी को डीसी में ही कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो चॉपर है उसको जो इनपुट दिया जाएगा वो एक फिक्स्ड डीसी होगा और उसका जो आउटपुट होगा वो वेरिएबल डीसी। दैट मीन्स डीसी से डीसी में ही कन्वर्ट करेगा, लेकिन वो जो आउटपुट में डीसी मिलेगा वो एक वेरिएबल डीसी होगा। हो सकता है कि जो इनपुट में डीसी दिया हो उससे तुमको ज़्यादा मिल जाए आउटपुट में, या तो उसे कम भी मिल सकता है। तो उसके ही बेसिस में चॉपर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है तुम्हारा स्टेप डाउन चॉपर और दूसरा होता है तुम्हारा स्टेप अप चॉपर। तो स्टेप डाउन चॉपर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें होता क्या है, चॉपर को तुम जो इनपुट दोगे वो क्या करेगा, उसको स्टेप डाउन करके आउटपुट में तुम्हारा अपियर करेगा। तो उसका मतलब ये हुआ आउटपुट में तुमको कम मिलेगा एज कम्पेयर टू इनपुट। इनपुट में जितना भी तुम्हारा वोल्टेज होगा आउटपुट में तुमको उससे कम मिलेगा। सपोज इनपुट में तुमने वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, तो आउटपुट में 100 से कम, हो सकता है 80, हो सकता है 90, ऐसे करके तुमको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। सो आज डिस्कस करेंगे स्टेप डाउन चॉपर। तो उसका जो सर्किट डायग्राम है वो आज हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। So, ये है तुम्हारा स्टेप डाउन चॉपर सर्किट डायग्राम। तो इसका जो सर्किट ऑपरेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। सो दैट मींस वी आर कनेक्टिंग ए आरएल लोड एंड वी आर टेकिंग आउटपुट अक्रॉस दिस लोड। वी आर टेकिंग आउटपुट अक्रॉस दिस लोड। दिस इज अ फ्री व्हीलिंग डायोड and this is actually the chopper. This switch is actually your chopper circuit and here you are giving a supply voltage, input supply voltage to this chopper circuit, which function is to convert this fixed DC voltage to a variable output voltage. You are getting output voltage across this load and this switch is actually help you to convert this fixed DC to a variable DC. So let us now discuss the circuit operation of this step down chopper. So होता क्या है, जब तुम इस स्विच को ऑन करते हो, जब ये स्विच तुम्हारा ऑन होता है तो तुम्हारा जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली इस पॉइंट में अपीयर कर जाता है। ठीक है, जैसे ये स्विच ऑन हुआ ये प्लस पॉइंट जो है वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये माइनस तो तुम्हारा यहाँ पे था ही, तो इसका मतलब ये हुआ। और आउटपुट वोल्टेज तुम कहां से ले रहे हो, इस पॉइंट के अक्रॉस में ले रहे हो, तो ये दो पॉइंट जो है वो इस दो पॉइंट से भी सॉर्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ योर सप्लाई इनपुट वोल्टेज यहाँ पे आ गया और ये दो पॉइंट जो है ये दो पॉइंट से सॉर्टेड है। तो इसका मतलब योर आउटपुट वोल्टेज सिंपली इक्वल टू योर इनपुट वोल्टेज Vs। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, योर आउटपुट वोल्टेज इज सिंपली इक्वल टू योर सप्लाई वोल्टेज। सो इस कंडीशन में होता क्या है, ये जो तुम्हारा इंडक्टर है वो एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो इसलिए वो एनर्जी को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा इस टाइम पे, जिस टाइम तुम्हारा स्विच ऑन होगा। ठीक है, तो जैसे तुमने ये स्विच को ऑन किया तो क्या है, करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, और यहां से रिटर्न कर जाएगा और इसका पोलैरिटी कैसे हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। और ये जो डायोड है फ्री व्हीलिंग डायोड, इस टाइम तुम्हारा रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, क्योंकि ये जो डायोड है इसका एक पॉइंट पॉजिटिव में कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट जो कि तुम्हारा कैथोड है, और कैथोड को अगर प्लस से कनेक्ट करोगे तो वो रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये स्विच ऑन होता है तो ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में होता है और करंट तुम्हारा सप्लाई से होके लोड होके रिटर्न कर जाता है माइनस पे। ठीक है, जब स्विच ऑन होता है सर्किट ऐसे बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये स्विच जो है वो ऑफ कंडीशन में जाएगा, मतलब जैसे ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो करंट है यहाँ पे जो लोड में करंट फ्लो हो रहा था वो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, करंट अपना डायरेक्शन को मेंटेन करेगा। इंडक्टर क्या है, अभी एनर्जी रिलीज करेगा, जो एनर्जी उसने स्विच ऑन के टाइम स्टोर किया था अब क्या करेगा, यही इंडक्टर अपना एनर्जी को लूज करेगा या तो एमिट करेगा, वो अपना एनर्जी को डिसिपेट करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, अपना पोलैरिटी चेंज कर देगा। इंडक्टर अपना
पोलरिटी को चेंज कर देगा। इनिशियली जब स्विच ऑन था ये वाला पॉइंट प्लस था और ये माइनस था, तो अभी क्या हो जाएगा, ये ऊपर का माइनस नीचे का प्लस, और ये जो माइनस है यही क्या करेगा, तुम्हारा ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उसको फॉरवर्डवाइज कर देगा, ठीक है, क्योंकि कैथोड को माइनस चाहिए होता है, तो मिल गया। इंडक्टर का जो माइनस है वो क्या करेगा, इस फ्री व्हीलिंग डायोड को फॉरवर्डवाइज कर देगा। तो जैसे ही वो इंडक्टर फॉरवर्डवाइज हो जाएगा, जो करंट है लोड करंट वो क्या करेगा, जिस डिरेक्शन में पहले से फ्लो कर रहा था जब तुम्हारा स्विच ऑन था, उसी डिरेक्शन में ही फ्लो करेगा और ये इंडक्टर से होके ऐसे सर्कुलेट करेगा। दिस इज हाउ योर करंट विल फ्लो, योर लोड करंट और आउटपुट करंट विल फ्लो व्हेन द स्विच इज अंडर ऑफ कंडीशन। जब तुम्हारा ये स्विच ऑफ होगा उस टाइम तुम्हारा ये जो लोड करंट है वो कहां कैसे फ्लो करेगा, वो सर्कुलेट कर रहा होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड को फॉरवर्डवाइज कर देके वो सेम डिरेक्शन में ही फ्लो करेगा। मतलब जैसे प्रीवियसली तुम्हारा स्विच ऑन था, जैसे तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा था, अभी भी करंट वैसे ही फ्लो करेगा, करंट ऊपर से नीचे आएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड को फॉरवर्डवाइज कर देगा। तो फ्री व्हीलिंग डायोड जैसे फॉरवर्डवाइज होगा तो नीचे से ऊपर फ्री व्हीलिंग डायोड में करंट फ्लो करेगा, और लोड में कहां से कैसे फ्लो करेगा, ऊपर से नीचे। तो ऐसे करके वो सर्कुलेट करता रहेगा करंट जब तक तुम्हारा इसमें एनर्जी होगा इंडक्टर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने फ्री व्हीलिंग डायोड को बेसिकली यूज ही क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। जब तुम्हारा स्विच ऑन होगा तो उस टाइम उसने एनर्जी स्टोर किया होगा। मान लेते हैं कि हमने फ्री व्हीलिंग डायोड यूज नहीं किया होता तो क्या प्रॉब्लम आता। तो तुमने स्विच जैसे ही ऑन, जब तुम्हारा पहले स्विच ऑन था उस टाइम क्या होता, करंट फ्लो होता और इंडक्टर जो है वो चार्ज स्टोर कर लेता, ठीक है। तो जैसे तुम स्विच को ऑफ करते ये अपना चार्ज को डिसिपेट भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको जो एनर्जी उसने स्टोर किया था ड्यूरिंग ऑन टाइम ऑफ योर स्विच, उस टाइम उसने एनर्जी स्टोर किया था, उसी एनर्जी को उसको डिसिपेट भी करना है, तो उस डिसिपेट करने के लिए उसको तो एक कंप्लीट क्लोज पाथ चाहिए ना, तभी जाके वो एनर्जी डिसिपेट करेगा। लेकिन जैसे ये स्विच ओपन हो जाएगा इसका एक कंप्लीट पाथ फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, सो दैट ये एनर्जी अपना नहीं डिसिपेट कर पाएगा। तो अगर ये एनर्जी डिसिपेट नहीं कर पाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, स्विच ऑफ करने के बाद जब हम फिर से स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करने के बाद जब हम फिर से स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा ना, स्पार्किंग होगा, क्योंकि इसमें जो एनर्जी स्टोर है ये क्या करेगा, इस स्विच के अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। इस साइड में तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज एक पोटेंशियल में होगा और इस साइड इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है उसके हिसाब से इस साइड में भी एक पोटेंशियल होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, अगर दो पॉइंट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है और दो पॉइंट को हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है, स्पार्क होता है। तो यहाँ पे जो स्पार्क क्रिएट होगा वो क्या करेगा, हो सकता है ये स्विच को जो है डैमेज कर दे। तो इस डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर किया था ड्यूरिंग ऑफ पीरियड ऑफ द स्विच, हम क्या करते हैं उस एनर्जी को डिसिपेट करवाना चाहते हैं। तो उसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक डायोड यूज कर लेते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड इसको कहा जाता है, और ये डायोड को ये क्या करेगा, इंडक्टर फॉरवर्ड वाइज कर देके इसी में ही अपना एनर्जी को डिसिपेट कर देगा। सो दैट जब हम नेक्स्ट स्विच को ऑन करेंगे तो स्पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो अपने एनर्जी को वेस्ट कर दिया होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड यूज किए थे। तो ऐसे करके वर्किंग हो रहा है। तो देखो जब तुम स्विच को ऑन करते हो उस टाइम तुम्हारा ड्यूरिंग योर स्विच ऑन, स्विच इज ऑन, तो उस टाइम क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज सिंपली इक्वल टू योर सप्लाई वोल्टेज। बट व्हेन द स्विच इज ऑफ कंडीशन, इज एन ऑफ कंडीशन, योर आउटपुट वोल्टेज इज सिंपली जीरो, योर आउटपुट वोल्टेज इज सिंपली जीरो व्हेन द स्विच इज एन ऑफ कंडीशन। ऐसे क्यों हो रहा है, देखो अगर तुम ये स्विच को ऑफ करते हो तो करंट क्या करता है, ये इंडक्टर क्या कर लेता है, इस डायोड को फॉरवर्डवाइज कर लेता है और करंट का जो डायरेक्शन है वो इस हिसाब से फ्लो होता है। तो अगर ये दो पॉइंट्स तुम्हारे सॉर्टेड हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे लोड के अक्रॉस में वोल्टेज जीरो हो गया। इसी दो पॉइंट्स के अक्रॉस में ही तो हम आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं ना, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये तो सॉर्टेड हो गए हैं, तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज तुमको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा ना। अगर ये दो पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है इसका मतलब क्या हुआ, योर आउटपुट वोल्टेज इज जीरो, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज तो हम इन दोनों पॉइंट के क्रॉस में ही मेजर करते थे। तो जब तुम स्विच को ऑफ कर लेते हो, इस स्विच को ऑफ कर लेते हो तो उस टाइम क्या होता है, करंट ऐसे करके फ्लो होता है और इस टाइम तुम्हारा इस दो पॉइंट्स के क्रॉस में वोल्टेज जीरो होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा जीरो है, ठीक है। तो अब देखो अभी सर्किट ऑपरेशन तो समझ में आ गया ना, अब हम देखते हैं किसका वेवफॉर्म कैसे होगा। पहले हम ड्रॉ करते हैं सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म। तो जो तुम सर्किट था यहां पे हम छोटा सा करके एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है, ये तुम्हारा स्विच था और यहाँ पे तुमने सप्लाई वोल्टेज Vs दिया था और यहाँ पे तुमको आउटपुट वोल्टेज V0 मिल रहा था ये दो पॉइंट के क्रॉस में, ठीक है। और ये करंट जो है वो तुम्हारा आउटपुट करंट है। तो देखो, सप्लाई वोल्टेज इज अ डीसी वोल्टेज, दैट मींस वो एक बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो तो कांस्टेंट होता है। देखो एसी के केस में क्या होता है ना, एसी अपना पोलैरिटी को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है और उसके साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। तो एसी वोल्टेज जो होता है, जैसे कि यहां पे अगर मैं एक एसी वोल्टेज ड्रॉ करूं तो तुम देख सकते हो ये अपना पोलैरिटी को भी चेंज कर रहा है, कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव, और ये अपना मैग्नीट्यूड को भी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर डीसी वोल्टेज होगा, अगर ये एक एसी वोल्टेज है तो ये क्या कर रहा है, अपना मैग्नीट्यूड को भी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है और उसके साथ साथ ये अपना पोलैरिटी भी चेंज कर रहा है। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं होता है, डीसी एक यूनिडायरेक्शनल नेचर का होता है, तो इसका मतलब वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है और अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करता है। अगर वो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही रहेगा और एक फिक्स्ड वैल्यू भी उसका रहेगा, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हारा जो बैटरी है, तुम्हारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, वो अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऐसे करके ड्रॉ होगा कि नहीं, तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होगा, सप्लाई वोल्टेज ऐसे दिखेगा और ये जो हाइट है वो बेसिकली Vs है। हो सकता है ये 10 वोल्ट हो सकता है, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई वोल्टेज। अगर ये 100 वोल्ट है तो इसका हाइट भी 100 वोल्ट होगा। तो ये हाइट बेसिकली तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हमने Vs का वेव फॉर्म कैसे होगा वो तो ड्रॉ कर लिया, अब देखते हैं आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसे होगा। तुमको पता है जब स्विच ऑन होता है उस कंडीशन में योर आउटपुट वोल्टेज इज सिंपली इक्वल टू योर सप्लाई वोल्टेज व्हेन स्विच इज ऑन, एंड जब तुम्हारा स्विच ऑफ होता है, ऑफ कंडीशन में होता है, तो तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज सिंपली जीरो होता है कि नहीं। ये सर्किट ऐसे ऑपरेट करता है ना, आउटपुट वोल्टेज सिंपली इक्वल टू Vs व्हेन द स्विच इज ऑन एंड योर आउटपुट वोल्टेज जीरो व्हेन द स्विच इज ऑफ। सो लेट अस कंसीडर फॉर अ टाइम पीरियड टी ऑन, टी ऑन इज द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द स्विच इज ऑन। इस टाइम के लिए तुम्हारा स्विच ऑन है, तो अगर इस टाइम के लिए तुम्हारा स्विच ऑन है, व्हाट इज योर आउटपुट वोल्टेज, ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज सिंपली इक्वल टू योर सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म इज ड्रॉन हियर एंड योर आउटपुट वोल्टेज इज सिंपली इक्वल टू Vs फ्रॉम जीरो टू टी ऑन, जीरो टू टी ऑन योर आउटपुट वोल्टेज इज सिंपली इक्वल टू Vs, ठीक है ना। हम ये एज्यूम किए हैं कि टी ऑन पीरियड के लिए, सपोज ये 5 सेकंड है, 5 सेकंड के लिए हमने क्या किया है ना, स्विच को ऑन करके रखा है। तो इस 5 सेकंड में तुमको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो सिंपली इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज होगा। तो इसीलिए फ्रॉम जीरो टू टी ऑन योर आउटपुट विल सिंपली लुक लाइक योर सप्लाई, सप्लाई का जैसे ही सेव होगा वैसे ही सेव तुम्हारा आउटपुट का भी रहेगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम एज्यूम कर रहे हैं जिस टाइम में तुम्हारा स्विच ऑफ होगा, सो उस टाइम को हम बोलते हैं टी ऑफ। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल योर स्विच इज इन ऑफ कंडीशन, तो जब स्विच तुम्हारा ऑफ कंडीशन में होगा उस टाइम तुमको पता है योर आउटपुट वोल्टेज इज सिंपली जीरो, तो यहां से यहां तक तुमको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये जो टी ऑन एंड टी ऑफ है इनको टुगेदर एड करके हम बोलते हैं चॉपिंग पीरियड और टोटल टाइम या तो टाइम पीरियड, ठीक है। तो इतने टाइम के बाद फिर से हम क्या कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए टी ऑन पीरियड के लिए और फिर से कुछ टाइम के लिए ऑफ कर रहे हैं स्विच को, तो तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज है इसी सेप में आएगा कि नहीं, ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज कैसे आ रहा है ये समझ में आ गया। अब देखो अगर यहाँ पे प्योरली रेजिस्टिव लोड होता तो आउटपुट वोल्टेज जैसे दिखता है इनपुट वोल्टेज का सेप, आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म वैसे ही होता है क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं फॉर आर लोड। लेकिन हमने आरएल लोड यूज किया है, तो आरएल लोड में इंडक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो करंट को अपोज करता है। तो करंट क्या है, वो स्लोली इंक्रीज करेगा जब तुम स्विच को ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे यहां से करंट जो फ्लो होगा, योर आउटपुट करंट इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू योर इंडक्टर, हम बोल सकते हैं कि नहीं, जो करंट तुम्हारा आउटपुट में फ्लो कर रहा है वो तुम्हारा इंडक्टर में भी होके फ्लो कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं योर इंडक्टर करंट इज ऑल्सो इक्वल टू योर आउटपुट करंट। तो
आउटपुट करंट का अभी हम वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं आउटपुट करंट, तो आउटपुट करंट इज नथिंग बट योर इंडक्टर करंट। तो इंडक्टर में करंट हमको पता है स्लोली राइज करता है जब तुम्हारा स्विच ऑन होता है। तो जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं इंडक्टर करंट विल राइज स्लोली। कब तक ये राइज करेगा? जब तक स्विच ऑन है, ठीक है। जैसे तुम स्विच को ऑफ करोगे ये करंट क्या है फिर से डिके करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो पहले तो जीरो टू टी ऑन, ये मान लो टी ऑन पीरियड है, जीरो है, जीरो टू टी ऑन दिस इज योर ऑन पीरियड। सो ऑन टाइम जब तुम्हारा स्विच ऑन होगा उस टाइम तुम्हारा आउटपुट करंट या तो इंडक्टर करंट स्लोली राइज करेगा, और जैसे ही तुम स्विच को ऑफ कर देते हो करंट तुम्हारा डिक्रीज करेगा और ये तुम्हारा कंटिन्यू होगा ऐसे करके। ऑन पीरियड में ऐसे राइज करेगा, ऑफ पीरियड में ऐसे फॉल करेगा, राइज फॉल। सो दिस विल बी योर आउटपुट करंट, दिस इज हाउ योर आउटपुट करंट विल बिहेव। दिस इज योर मिनिमम करंट एंड दिस इज योर मैक्सिमम करंट, एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस मैक्सिमम करंट एंड मिनिमम करंट इज योर रिपल। कितना चेंज हो रहा है करंट में, ठीक है, वही तुम्हारा रिपल होता है, और इसी को तुमको मिनिमाइज भी करना होता है। दिस इज योर रिपल कंटेंट। रिपल कंटेंट मतलब क्या है? चेंज इन मैक्सिमम करंट टू द मिनिमम करंट। मिनिमम करंट हो सकता है यहाँ पे 2 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा था और मैक्सिमम यहाँ पे 5 मिली एम्पियर फ्लो हुआ। सो 3 मिली एम्पियर का चेंज हो रहा है यहाँ पे, 5 माइनस 2 मतलब 3 मिली एम्पियर का चेंज हुआ। तो यही होता है तुम्हारा रिपल कंटेंट इन योर आउटपुट करंट, जिसको कि तुमको मिनिमाइज करना है। अगर तुम इसको मिनिमाइज कर पाए तो तुम्हारा जो आउटपुट करंट होगा वो सिंपली फ्लैटेंड कर जाएगा, ठीक है कि नहीं? आउटपुट करंट इज सिंपली फ्लैटेंड इफ यू मिनिमाइज दिस वैल्यू रिपल कंटेंट। सो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म ऐसे ड्रॉ कर लेना और आउटपुट करंट का वेवफॉर्म ऐसे ड्रॉ कर लेना। सो दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज and this output voltage is simply equal to Vs from 0 to T on, ठीक है, और ये तुम्हारा total time T है, ये तुम्हारा कितना time है T on, और यहां से यहां तक T off, ठीक है, T on plus T off is your total time T. So now we are interested to calculate the average output voltage. How to calculate average output voltage and average output current? देखो output में जो तुमको मिल रहा है वो उसका average कैसे निकालोगे? Average output voltage simply is equal to 1/T integration from 0 to T on Vs into dt. ये expression ऐसे क्यों लिखा जा रहा है? देखो ये जो waveform है after time t ये अपने आप को repeat कर रहा है, तो इस waveform का जो time period है वो है तुम्हारा t. तो तुमको क्या करना है? 1 by t लिख देना है, इंटीग्रेशन साइन देना है, और 0 टू t on लिखे हैं। 0 टू t on क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमको जो आउटपुट मिला है वो 0 टू t on पीरियड के लिए मिला है, तो 0 टू t on लिखेंगे। और हमको 0 टू t on हमको आउटपुट में कितना मिल रहा है? Vs हमको आउटपुट में मिला है तो उसको Vs लिख दिए। और x एक्सिस जो है वो टाइम एक्सिस है, उसका अगर हम छोटा सा टुकड़ा लेंगे दैट इज योर dt, छोटा सा टाइम फ्रेम से हम छोटा सा टाइम टुकड़े को ले रहे हैं तो दैट इज dt, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे Vs से, तो ये तुमको दे देगा एवरेज आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन। सो योर एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज सिंपली इक्वल टू 1/T, टी यहाँ पे क्या है? टाइम पीरियड, क्योंकि आफ्टर टाइम टी ये खुद को रिपीट कर रहा है ना, ये जो वेवफॉर्म है खुद को रिपीट कर रहा है। कुछ टाइम के लिए आउटपुट मिला, कुछ टाइम के लिए आउटपुट नहीं मिला, उसके बाद फिर से मिलना स्टार्ट हो गया, तो हम बोल सकते हैं 0 टू टी इज योर टाइम पीरियड। So, 1/T लिख दिए, इंटीग्रेशन साइन, 0 टू टी ऑन, टी ऑन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो आउटपुट हमको मिल रहा है वो 0 टू टी के लिए नहीं मिल रहा है, फ्रॉम 0 टू टी ऑन हमको आउटपुट मिला है, तो यहाँ पे इसलिए हम 0 टू टी ऑन लिखे हैं। इसके बाद हमको 0 टू टी ऑन कितना मिला है आउटपुट? Vs मिला है, तो यहाँ पे इसलिए Vs लिख दिए। और इसके साथ Vs के साथ हमको किसको मल्टीप्लाई करना है? टाइम एक्सिस, ये तुम्हारा टाइम एक्सिस है, इसका एक छोटा सा फ्रेम जो कि dt है मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? एवरेज आउटपुट वोल्टेज, दिस इज योर एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो Vs एक कांस्टेंट है जो कि बाहर चला आएगा, सो Vs/T होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ऑन dt। सो Vs/T
इंटीग्रेशन ऑफ dt इज नथिंग बट t फ्रॉम 0 टू t ऑन, ठीक है. सो vs by t इस स्मॉल t के बदले में पहले t ऑन पुट करेंगे माइनस स्मॉल t के बदले में 0, तो ये सिंपली t ऑन हो गया. तो हम इसको लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज सिंपली इक्वल टू vs into t ऑन डिवाइडेड बाय t. सो योर एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू vs into t ऑन बाय t, ठीक है. सो दिस इज योर एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो कि कंटिन्यूअस है. ये जो वोल्टेज था तुम्हारा वी जीरो वो कंटिन्यूअस नहीं था ना, कुछ टाइम के लिए वी जीरो मिला, कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो वो कंटिन्यूअस नहीं था. उसको कंटिन्यूअस कब बोले हैं, जब उसका एवरेज निकाल देंगे. तो ये जो एवरेज वोल्टेज है वो एक कंटिन्यूअस वोल्टेज है. हम बोल सकते हैं फ्रॉम जीरो टू टी जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिला है वो वी एवरेज है. लेकिन हम जीरो टू टी तक हमको वी जीरो तो नहीं मिला, तो हम नहीं बोल सकते कि वी जीरो इज योर एवरेज आउटपुट वोल्टेज. तो कौन सा वोल्टेज है जो कि हमको जीरो टू टू कंटिन्यूअसली मिला है, जीरो टू टी कंटिन्यूअस हमको वी एवरेज मिला है, तो इसलिए हम वी एवरेज कैलकुलेशन करते हैं. तो वी एवरेज कितना हो गया तुम्हारा, वी एवरेज इज सिंपली इक्वल टू वी एस इंटू टी ऑन बाई टी. वी एवरेज आउटपुट का है, हाँ, वी जीरो एवरेज इज सिंपली इक्वल टू वी एस इंटू टी ऑन डिवाइडेड बाई टी. और ये जो टी ऑन बाई टी है इसको एक नया नाम देते हैं अल्फा, दैट इज योर ड्यूटी साइकिल, ठीक है. अगर तुम 10 सेकंड का एक इंटरवल के लिए देख रहे हो, यहां से यहां तक 10 सेकंड है, और 5 सेकंड के लिए तुम ऑन रख रहे हो और 5 सेकंड के लिए तुम्हारा ऑफ है, तो हम बोल सकते हैं कि टी ऑन तुम्हारा 5 है और टोटल टाइम तुम्हारा 10 है, तो इसका मतलब हाफ टाइम के लिए तुम्हारा ऑन कंडीशन में है स्विच. तो ड्यूटी साइकिल तुमको ये बताता है कि कितने टाइम के लिए तुम्हारा जो स्विच है वो ऑपरेट कर रहा है, आउट ऑफ द टोटल टाइम कितने टाइम के लिए तुम्हारा स्विच ऑन कंडीशन में है, ये तुमको ड्यूटी साइकिल से पता चलता है, ठीक है. तो हमने यहाँ पे V0 एवरेज को ये भी लिख सकते हैं Vs into अल्फा, Vs into अल्फा, ठीक है. तो ये तो हो गया तुम्हारा एवरेज कैलकुलेशन कैसे होता है. योर एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज सिंपली इक्वल टू Vs into अल्फा. अब देखते हैं RMS आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा. देखो RMS आउटपुट वोल्टेज जब निकालते हैं RMS तो रूट मीन स्क्वायर होता है, इसका मतलब तुमको क्या करना है, पहले स्क्वायरिंग कर देना है. किसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग, जिसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो उसको स्क्वायर कर दो, ठीक है. इसके बाद उसका मीन निकालो, एवरेज, जो कि इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली इंटीग्रेशन करके अगर तुम 1 बाय टी कर देते हो उससे तुम्हारा एवरेज निकल जाता है. तो तुम्हारा सिर्फ एक फाइनल काम है रूट ओवर देना, तो यहां पे एक रूट ओवर दे दिए. तो ये हो गया तुम्हारा RMS आउटपुट का RMS वैल्यू. सिंपल है, एवरेज वैल्यू जब तुम निकाले थे तो वहां पे क्या यूज किए थे, Vs यूज किए थे, उसी को हमने स्क्वेयरिंग कर दिए, जिसको तुम इंटीग्रेट किए थे उसका स्क्वेयरिंग कर दिए, तो Vs का स्क्वेयर ले लिए, हाँ, ठीक है. और इसके बाद उसका मीन निकालेंगे, तो मीन निकालने के लिए तुम इंटीग्रेशन का हेल्प ले रहे हो. एवरेज कैलकुलेशन जब तुम कर रहे हो तो इंटीग्रेशन का हेल्प ले रहे हो. इंटीग्रेशन कैसे करना तो जानते हो, इंटीग्रेशन साइन दे देना है यहाँ पे dt. फ्रॉम जीरो टू टी ऑन तुमको आउटपुट मिला है, तो इसलिए जीरो टू टी ऑन, और वन बाई टी क्यों लिखे, क्योंकि टाइम पीरियड तुम्हारा टी है. तो ये जो इंटीग्रेशन और ये वन बाई टी के हो, इससे तुम्हारा एवरेज का कैलकुलेशन हो गया. अब बाकी कौन सा काम है, रूट देना, तो इसलिए एक रूट ओवर दे दिए. तो ये एक्सप्रेशन हो गया तुम्हारा RMS आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन, ठीक है. तो अब समझो Vs स्क्वायर है और इसका रूट ओवर लिया हो, तो यह सिंपली तुम्हारा Vs हो जाएगा और बाहर चला आएगा. अंदर क्या रहेगा, 1 बाई टी, और इंटीग्रेशन ऑफ dt करके अगर तुम 0 टू t ऑन करते हो तो इसका वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना आता है जानते हो, तुमको t ऑन होता है. सो ये बेसिकली t ऑन बाई टी तुम्हारा क्या होता है, अल्फा होता है. सो वी एस इंटू रूट ओवर ऑफ अल्फा इज योर RMS आउटपुट वोल्टेज इन दिस केस, ठीक है. तो ऐसे करके हमने एवरेज RMS दोनों का कैलकुलेशन कर दिया, एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, RMS आउटपुट वोल्टेज भी कैसे निकालेंगे, ठीक है. तो हमारा एक्सप्रेशन जो था एवरेज आउटपुट वोल्टेज का,
इज इक्वल टू वी एस इंटू टी ऑन बाय टी था। अच्छा तुमको ये भी पता है कि जो 1 बाय टी है उसको हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 बाय टाइम पीरियड, है कि नहीं। टाइम पीरियड का जो उल्टा होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल पासिंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट होता है वो फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि नहीं। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो तुम्हारा टाइम पीरियड होता है। तो सपोज एक सेकंड में तुम्हारा 50 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जो कि हमारा एसी का फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ज होता है। तो एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट हो जाता है? 50 साइकिल। 50 साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा होगा वही तुम्हारा टाइम पीरियड होता है। तो कैसे निकालोगे? अगर 50 साइकिल कंप्लीट होने में 50 साइकिल कंप्लीट होने में 1 सेकंड लग रहा है, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में 1/50 सेकंड लग रहा होगा, जो कि 0.02 सेकंड के आसपास आएगा। ठीक है। सो यहां पे हम 1/T को रिप्लेस कर देते हैं एफ से, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसको हम चॉपिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। सो एफ इंटू वी एस इंटू टी ऑन विल गिव यू एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। सो एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालोगे? आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन टेक्निक से समझा दिए। अच्छा थोड़ा ये एवरेज क्या होता है थोड़ा इसको कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है क्या, इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए ट्राई करेंगे। इसी वेवफॉर्म के लिए देखते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे आएगा। देखो मान लो कि ये तुम्हारा बाउंड्री है, ये टोटल तुम्हारा एक बाउंड्री है, जिसमें इस बाउंड्री में यहाँ पे गैप्स हैं, मतलब ये टूट गया है बाउंड्री का। तो तुमको क्या करना है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, और ऐसे रिकंस्ट्रक्ट करना है नया, मतलब तुम कुछ नया सामान लेके नहीं आओगे, यहाँ पे जो ब्रिक्स यूज हुआ होगा ना उसी को ही यूज करके ये जो मतलब है ओपन प्लेस इसको फिल करना है। ठीक है। तो ऊपर से तुम ब्रेक कर दिए और नीचे तुम उसको यूज कर दिए, यहां से वैसे कि ऊपर से निकाले और ये जो प्लेस इसको फिल अप कर दिए, तो ये हो जाएगा अभी नया जो बाउंड्री फॉर्मेशन होगा वो एक कंटिन्यूस बाउंड्री हो जाएगा ना। यहाँ पे गैप था ना, उस गैप को तुमने कैसे फिल अप किया, यहां से ऊपर से ब्रिक्स निकाले और इसको फिल कर दिए। तो जो तुम्हारा पुराना बाउंड्री था इसका जितना एरिया होगा, जो नया बाउंड्री तुम फॉर्मेशन किए इस बाउंड्री से उसका भी एरिया उतना ही होगा। तो जो तुम्हारा पुराना बाउंड्री था उसका एरिया कितना है तुमको पता है? इसका जो हाइट है वो तुम्हारा VS था और ये तुम्हारा T ऑन था, और यहां से यहां तक तुम्हारा ऑफ पीरियड, ये टोटल तुम्हारा T था, है कि नहीं। तो जो तुम्हारा पुराना बाउंड्री था उसका हाइट तुम्हारा VS था और उसका लेंथ तुम्हारा टी ऑन था। तो हम बोल सकते हैं VS इंटू टी ऑन तुम्हारा एरिया है इस बाउंड्री का, दैट विल बी इक्वल टू जो तुम्हारा नया बाउंड्री फॉर्मेशन हुआ ना उसका जो हाइट है, दैट इज योर एक्चुअली वी एवरेज, दैट इज एक्चुअली योर वी एवरेज। वी एवरेज इंटू टी लिख सकते हैं, वी एवरेज इंटू टी। वी एवरेज इंटू टी तुमको क्या देगा, जो नया बाउंड्री है इसका एरिया तुमको कितना है, कितना मिलेगा, वी एवरेज इंटू टी। और ये दोनों एरिया इक्वल होंगे कि नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा पुराना बाउंड्री था उसी को ही तुमने मतलब ब्रेक कर दिए और नया बाउंड्री का फॉर्मेशन किया है, हाँ कि नहीं। तो इस पुराने बाउंड्री का जितना एरिया होगा उतना एरिया तुम्हारा ये जो नया बाउंड्री फॉर्मेशन हुआ, और इस बाउंड्री से कितना बाउंड्री का फॉर्मेशन हुआ, इतने का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका एरिया जितना होगा इसका एरिया भी उतना ही होगा। ठीक है। तो इस बाउंड्री का एरिया कितना है, वी एस इंटू टी ऑन, और ये जो नया बाउंड्री फॉर्मेशन हुआ उसका एरिया कितना होगा, ये जो नया हाइट है ना वही तुम्हारा एवरेज है, वी एवरेज इंटू टी। तब बताओ वी एवरेज कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एवरेज एक्चुअली होता क्या है, सपोज मान लो ऐसा करके एक एम्प्लॉई है
जिसको फर्स्ट मंथ में तुम्हारा सैलरी मिला 5000, सेकेंड मंथ कुछ भी नहीं मिला, थर्ड मंथ में उसका सैलरी 5000, फोर्थ मंथ में उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। तो अब बताओ इसका एवरेज सैलरी कितना है, इस पर्सन का एवरेज सैलरी कितना है, तो तुम क्या करोगे, चार ये जो फोर मंथ है इनमें कितना कितना इसको सैलरी मिला है उसको एड करके डिवाइडेड बाय फोर कर देने से इसका एवरेज सैलरी मिलेगा। तो हम लिखते हैं 5000 प्लस जीरो, सेकेंड मंथ में जीरो, थर्ड मंथ में कितना सैलरी मिला है 5000 और फोर्थ मंथ में जीरो, डिवाइडेड बाय फोर करेंगे तो ये कितना आएगा 2500 आएगा। तो 2500 ये जो है 2000 सपोज ये जो पॉइंट है वो 2500 तो 2500 इज द एवरेज सैलरी जो कि तुम बोल सकते हो इतना रुपए उसको हर मंथ मिल रहा है, 2500 उसको हर महीना मिल रहा है, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते हो कि 5000 रुपीज उसको हर महीने मिल रहे हैं, क्योंकि इस महीने में तो उसको 5000 नहीं मिला, तो उस हिसाब से उसका सैलरी कितना हो जाता है, अगर उसको हर महीने 5000 मिलता तो उस हिसाब से उसको उसका हो जाता 20000, लेकिन इसका जो टोटल सैलरी है चार महीने का कितना हो रहा है 10000 हो रहा है कि नहीं। तो एवरेज सैलरी क्या है, अगर तुम किसी पर्सन ऐसे हिसाब से सैलरी उसको मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं 2500 इसका एवरेज सैलरी है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सो जो एवरेज सैलरी है, एवरेज सैलरी कितना है 2500 इंटू कितने मंथ का है, चार मंथ का है, इंटू फोर करेंगे अगर तो वो इक्वल होगा एक ही मंथ का सैलरी 5000 इंटू वन। तो अब तुम याद करो ये जो हाइट है तुम उसको क्या लिखे थे, वीएस लिखे थे, और ये लेंथ तुम्हारा क्या होता था, टी ऑन होता था, है कि नहीं। सो 2500 जो है वो तुम्हारा एवरेज सैलरी है, वो एवरेज सैलरी है, और उसको हमने फोर से मल्टीप्लाई किया था, है कि नहीं, तो जो कि तुम्हारा इक्वल हुआ 5000 इंटू वन। सो उसमें हमने क्या लिखा था, वी एस इंटू टी ऑन मस्ट बी इक्वल टू, हाँ ठीक है कि नहीं, ये देखो 5000 है, 5000 इंटू वन मंथ, सो 5000 इंटू वन मस्ट बी इक्वल टू 2500 इंटू टू, 2500 इंटू टू ऐसे ही किए थे ना, ये जो तुम्हारा पुराना बाउंड्री था उसको एक नया बाउंड्री में जब तुम कन्वर्ट कर लिए ऐसा देखेगा ना, ये जो पुराना बाउंड्री है उसको तुमने क्या किया, यहाँ से ऊपर से ब्रिक्स निकाल के यहाँ के फिल कर दिया, तो ये तुम्हारा नया बाउंड्री हो गया। तो ये जो पुराना बाउंड्री है इसको अगर 5000 इंटू वन करोगे तो इसका कितना होगा, इसका 2500 है, 2500 इंटू टू हिसाब बराबर होगा कि नहीं, हो भी रहा है कि नहीं, ये 5000 है और ये भी तुम्हारा 5000 हुआ। तो ऐसे करके भी तुम समझ सकते हो तुम्हारा एवरेज होता क्या है।